हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्ट स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट अस स्टार्ट एंड सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए uh, अगला 24 फोर आवर्स में क्या रहेगा सो लेट अस स्टार्ट लेट अस सी एंड मेरा वॉइस थोड़ा सा लो आ सकता है बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल सो आई एम रियली सॉरी फॉर देट एंड देन मैं ये भी कह दूँ दैट मेरे बारे में जितना भी एनर्जी जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं सो लेट एस सी एंड लेट एस स्टार्ट एंड ये पूरा रीडिंग एक जनरल रीडिंग है सो so प्लीज़ जितना रेजनेट करे उतना ही लेना एंड कोई भी मैसेज जो रेजनेट ना करे उसे अपने ऊपर फोर्स मत करना ठीक है सो लेट इस्टार्ट ओवरऑल आज उस पर्सन की माइंड एनर्जी इंटेंशन एक्शन क्या है पूरे दिन नेक्स्ट 24 फोर आवर्स आपके लिए नंबर 27 सेवन इज होम दैट इज इंटरेस्टिंग सो फॉर सम ऑफ यू मे बी ए पर्सन मैरिड है या मे बी आप आप दोनों मैरिड हो या फिर ये पर्सन ने आपको कोई मैरिज प्रोपोजल दिया था कभी भी इन द पास्ट और आप लोग मैरिज uh, को लेके फ्यूचर को लेके डिस्कशन करते हो इस पर्सन के साथ सो आई फील लाइक द मेन सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये है दैट ये पर्सन आप दोनों के फ्यूचर को लेके किसी बात पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन काइंड ऑफ या ये पर्सन काइंड ऑफ मूवमेंट लेके आना चाहते हैं ये पर्सन चाहते हैं कि वो किसी कंफर्ट जोन से अपने आप को निकाले बिकॉज उनको काइंड ऑफ इस कनेक्शन से बहुत ज्यादा होप है उन्हें आप दोनों से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है होप है दैट दिस कनेक्शन विल टर्न इन टू अ मैरिज या ये कनेक्शन काइंड ऑफ एक दिन बहुत सक्सेसफुल होगा ये ये कनेक्शन काइंड ऑफ एक दिन बहुत आगे जाएगा या समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड समथिंग लाइक जो इनका ड्रीम कम ट्रू इनका विच फुलफिल्मेंट के नज़र से ये देखते हैं इस कनेक्शन को या आपको या सिचुएशन uh, को लेकिन इनको डर है इस कनेक्शन के फ्यूचर में क्या होगा आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आप दोनों इस वक्त दूसरे जगहों पे हो लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आप दो, आप दोनों का एज थोड़ा सा कम है जिस वजह से आपको डर हो सकता है आपके पर्सन को कि क्या ये रिश्ता मैरिज तक जाएगा क्या ये रिश्ता काइंड ऑफ सक्सेसफुल होगा या क्या घर वाले मानेंगे क्या like, समथिंग थिंग दैट ये पर्सन बहुत ओवर थिंक करते हैं आपके रिश्ते के बारे में नाउ आई ऑल्सो सी दैट अगला ट्वेंटी फोर आवर्स या आज ये पर्सन आपको एज अ वेरी स्टेबल इंडिविजुअल देखते हैं इन्हें लगता है आप वो डिवाइन फेमिनिन या आप वो डिवाइन मैस्क्यूलिन हो जिसका लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है या जो एक्चुअली जो खुद बहुत ज़्यादा परफेक्ट है लाइक मे बी आप बहुत ही इस पर्सन की नज़र में आप बहुत ही हैंडसम हो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो या आपको आपके अंदर वो स्टेबिलिटी ये महसूस कर पाते हैं इन्हें लगता है आप वो परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो एंड आप लाइक like, आप उनके लिए एज अ ड्रीम कम थ्रू हो आप उनके लिए एज अ पर एज अ पर्सन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन हो उनके लाइफ में लाइक um, like, उन्होंने कभी भी आपके जैसा किसी से उनका कभी मुलाकात हुआ नहीं है ऐसा उन्हें लगता है सो so, अगला 24 फोर आवर्स आई थिंक ये पर्सन आपको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं ये पर्सन आपको कहीं में भी बाहर लेके जाना चाहते हैं लाइक like, आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत सा बोलना चाहते हैं बिकॉज दिस इज समबडी जो आप के अंदर लाइक like, जो आपके अंदर अपने आप को लाइक like, आपके पास रह के इस पर्सन को सुकून मिलता है दैट इज वॉट आई एम हियरिंग या आपके अंदर वो इमोशन है आपके अंदर वो पैशन है या आप जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करते हो या आप जो बातें इस पर्सन को बोलते हो वो इस पर्सन को काफी ज्यादा सुकून देता है अपनी जिंदगी से अपनी प्रॉब्लम से लाइक आई फील लाइक अगर ये पर्सन मैरिड है या अगर ये पर्सन uh, बहुत ही एक वर्कहोलिक टाइप ऑफ पर्सन है जिसे काम करना पसंद है जो बिजी रहते हैं बिजनेस मैन है वॉट एवर आई फील लाइक ये जब आपके पास आते हैं या आपसे बात करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं आई फील इन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस सुकून स्टेबिलिटी महसूस होता है ये अपने लाइफ के टेंशनस भूल जाते हैं ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं सो दिस इज़ समबडी जिसे पता है कि आपको खोना उनके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा आपको खो देना उनके लिए आई थिंक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे एंड ऑल्सो देर इज़ सम काइंड ऑफ आई फील अ जेलसी सो ये पर्सन को पसंद नहीं आप किसी से बात करो इस पर्सन को पसंद नहीं आपके करीब कोई आए या आई फील ये पर्सन आपके सोशल मीडिया स्टॉक करते रहते हैं ये पर्सन आपके मे uh, बी आपको खुद पूछते हैं आपके फ़ोन चेक करने uh, चेक करने का मन करता है इस पर्सन को सो so, कभी कभी जो बहुत ही uh, सही नहीं है बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा सा ही सही लेकिन पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं दिस इज समबडी हु वांट्स टू नो हु वांट्स टू सी आपके बारे में लाइक like, थोड़ा सा ऑब्सेशन है इस पर्सन को ये सब इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ये इनको सब कुछ जानना है आई फील लाइक ये ये काइंड ऑफ कंटिन्यूसली इंटरफेयर करना चाहते हैं आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आपके लाइफ में आपके लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहते हैं सो दिस इज़ अ कनेक्शन आई फील जहाँ पे नो no कॉन्टैक्ट नहीं है आज का जो आज का जो कनेक्शन uh, मुझे दिखा या आज का जो मैसेजेस मुझे मिला यहाँ पे दिस इज़ समथिंग या तो इस पर्सन के साथ आपका कम कांटेक्ट है बहुत कम कम्युनिकेशन होता है या तो आपका कम्युनिकेशन होता है आप इस पर्सन से मिलते हो मे बी आप सेम जगह काम करते हो मे बी आप सेम uh, जगह पे रहते हो या देर इज समिंग जो आप दोनों में कॉमन है जो uh, जिस वजह से ये पर्सन आपके करीब रह पाते हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं या आपको देख पाते हैं या आपसे सुन पाते हैं सो दिस इज संबरी जो इंटरेस्टेड है and I feel like this is somebody जो थोड़ा सा ऑब्सेस्ड भी है आपसे राइट नाउ एटलीस्ट नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स सो आई फील सब कुछ ओवरऑल सही रहेगा इस कनेक्शन में बट uh, थोड़ा सा आपको इस पर्सन में टेंशन स्ट्रेस नज़र आ सकता है स्पेशली अगर फ्यूचर को लेके कोई बात हो या फ्यूचर प्लानिंग आप लोग करो या मैरिज को लेके प्लान करो um, तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट ये पर्सन हो सकते हैं अपने अंदर बट अदरवाइज़ आई थिंक काफ़ी अपसेस्ड है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइक इंटरेस्टेड है ये आप में वो आपको दिखेगा एंड ये पर्सन आपको कुछ इम्प्रेसिव कह सकते हैं बोल सकते हैं जस्ट सो दैट आपको अच्छा लगे लाइक सम कॉम्प्लीमेंट या कुछ तारीफ ठीक है या तो ये आपको डायरेक्टली बोल सकते हैं या, या आपके बारे में किसी को कुछ अच्छा बोलेंगे नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू गॉड ब्लेस यू एंड अगर मैं जोरिया की बात करूँ मेरे पास है एक्वेरियस वर्गो टॉरस स्कॉर्पियो लीब्रा के प्रकॉर्न ठीक है बट ज़रूरी नहीं है कोई भी साइन हो सकता है इन दैट मैटर बट दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू सो टेक केयर गॉड ब्लेस यू एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हीयर मैं आपसे मिलूंगी जरूर नेक्स्ट रीडिंग में टिल दैन टेक केयर एंड गुड बाय